नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूं आपका आजाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। अभी झारखंड सरकार ने सावित्री बाई फूले की सूर्य योजना को चलाया है और आज हम दुमका के और प्रसन्थान प्रकरणा के सबसे महान कॉलेज में से एक है, एसपी कॉलेज, वहां आए हुए हैं और जानेंगे कि आज यहां के जो छात्राएं हैं वो कितना जानती हैं सावित्री बाई फूले को। तो चलिए आइए, हम चलते हैं अंदर और उनसे सवाल करते हैं कि सावित्री बाई फूले कौन है और उसका क्या योगदान रहा इस समाज में। एक लड़की है, क्या नाम है आपका? सुनीता मुर्मू। किस क्लास में पढ़ते हैं? सेमेस्टर 4। अच्छा, ये बताइए सावित्री बाई फूले कौन है? सावित्री बाई, जान रहे हैं सावित्री बाई फूले कौन है? इसका क्वेश्चन करने से ही लड़कियां भाग जा रही हैं। अभी बच्चियां बैठी हुई हैं कॉलेज में हैं, अभी पूछते हैं उनसे सवाल कुछ। आप लोग ये बताइए, झारखंड सरकार अभी सावित्री बाई फूले की शुरू योजना चला रहे हैं, जानते हैं कि सावित्री बाई कौन है? सावित्री बाई ज्योतिबा फूले को जान रहे हैं? नहीं जानते हैं। कभी सुने के नाम से? हाँ सुने हैं पर जानते तो नहीं है अब तक। आप जानते हैं सावित्री बाई? नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं? नहीं। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? सेमेस्टर 4 में। और आप किस क्लास में पढ़ते हैं? हम सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में। महिलाओं के शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा बड़ा योगदान रहा है सावित्री बाई का और आज एसपी कॉलेज की छात्राएं बता नहीं पा रही है। अच्छा, ये बताइए अभी जो झारखंड सरकार सावित्री बाई फूले की शुरू योजना चला रहे हैं तो सावित्री बाई फूले को जानते हैं? जी जानते हैं। कौन है वो? वो आज़ादी के एक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आज़ादी की मतलब एक वो थी, जैसे महानारी थी जिसने आज़ादी में बहुत सारा मतलब हम लोग को योगदान दिया था भारत की आज़ादी में, सावित्री बाई। और वो सावित्री बाई फूले को क्यों याद किया जाता है? वो शिक्षा के विभाग में भी बहुत सारा योगदान है उनका, इसीलिए उनको याद किया जाता है। हो गया। अभी हमारे साथ एक हिंदी की मैडम मिली हुई, मैडम अभी झारखंड नहीं है। और किसकी मैडम? किसकी? संथाली के हैं। और संथाली के मैडम, क्या नाम है मैडम आपका? पोलिका कुमारी मरांडी। पोलिका कुमारी, ती बा फूले ये कौन है? ज्योतिबा फूले, देखिए मुझे पता है लेकिन ज्योतिबा फूले को जान रहे हैं? हाँ बताइए। सर्वप्रथम जैसे ज्योतिबा फूले ने ही एजुकेशन के लिए जो किया था, उस समय जब धर्म का बहुत ज़्यादा मतलब ऊंच नीच जाति, जैसे ऊंची जाति नीची जाति छुआछूत ये इस समय जो चल रहा था, तो उस समय वो ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले है कौन, ये जानते हैं? नाम सुने हैं? हाँ सुने हैं। कौन है? अरे क्या नाम हुआ आपका? समारिया। आपका क्या नाम? लवली। और आपका क्या नाम? प्रीति लता। अच्छा, ज्योतिबा फूले को कुछ भी जान रहे हैं उसके बारे में? हाँ, वो झारखंड की रहने वाली थी और वो मतलब उनका बहुत योगदान है यहाँ पे। झारखंड रहने वाली है? हाँ, क्या मुझे ना कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, आपको बस नाम सुने? अच्छा, संथाल प्रकरणा के तीन ऐसे स्वतंत्रता सेनानी के नाम बताइए। सिधो कानू मुर्मू और बिरसा मुंडा। हाँ, संथाल प्रकरणा का बिरसा मुंडा नहीं हुए। चलो है ना, अभी हम एसपी कॉलेज में हैं, दो बच्चियाँ मिली हुई हैं मुझे, एक सेकेंड है ना। ये बताइए किस क्लास में पढ़ते हैं आप? हम लोग का ग्रेजुएशन लास्ट है, हम लोग एग्जाम दे चुके हैं। और आप? सर सेम। क्या नाम हुआ? आराधना। आपका क्या नाम? पूजा। तो एसपी कॉलेज में अभी हम हैं और तमाम छात्राएं यहाँ फॉर्म भर रही है। किस चीज़ का फॉर्म भर रहे हैं दीदी आप लोग? ये इंटर फर्स्ट ईयर का है। इंटर फे? आप भी इंटर फर्स्ट ईयर में? आप किस क्लास में हैं? जी हम तो 12th में अभी। क्या नाम हुआ आपका? सुमन कुमारी। अच्छा, भाई जानते हैं ज्योतिबा फूले कौन है? ज्योतिबा फूले का तो नाम सुने हैं बट उनका पूरा स्टोरी अच्छे से याद नहीं है। कभी कहीं कहाँ सुने थे आप? उनके नाम पे एक सीरियल आया था, सावित्री बाई ज्योति फूले सीरियल आया था। हाँ, लेकिन जान नहीं रहे हैं। बहुत छोटे में देखे थे इसलिए। चलिए, एक बच्ची मिली है, बहुत अच्छा मुस्कुरा रही है। सुनी थी एक सीरियल आया था, लेकिन ज्योतिबा फूले है कौन, सावित्री ज्योतिबा फूले अभी वो बता नहीं पा रही है।